चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर, जिला ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया है। चंडीगढ़ से खबर आ रही है ये, जिसमें सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के जो लोगों की समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी। दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद और पानीपत के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और आपको बता दें, अनिल विज रोहतक और सिरसा में जो लोगों की समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनको सुनेंगे। तो जिला ग्रीवेंस कमेटी का गठन हो चुका है और उस कमेटी के गठन के साथ ही कौन कौन सा नेता कहां कहां की समस्याएं सुनेगा, मुख्यमंत्री गुरुग्राम के लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे, जबकि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम फरीदाबाद और पानीपत के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री अनिल विज रोहतक और सिरसा में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो ग्रीवेंस कमेटी के गठन के साथ ही मंत्रियों को कौन कौन से जिले की लोगों की समस्याओं को जानना है और उसका समाधान करना है, ये भी ड्यूटीज तय हो गई हैं। इसके साथ ही अब जो आम आवाम है उसके लिए भी अच्छी खबर है कि वो सीधा अपने मंत्रियों के पास जा सकती है, अपने नेताओं के पास जा सकती है। जो जो उनके हलके की समस्या है, जो जो उनके क्षेत्र की समस्या है, उसके निदान की वो उम्मीद कर सकती है और उसको निपटारे के लिए जल्द से जल्द उनसे बात भी की जा सकती है। राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर है हमारे साथ। राकेश जी, ग्रीवेंस कमेटी के गठन के साथ ही ड्यूटीज भी तय हो चुकी हैं कि कौन से जिले की समस्या कौन सा मंत्री सुनेगा। चलिए, फोन शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। जानकारी आपको बता दे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्रीवेंस कमेटी का गठन और साथ ही साथ कौन कौन से नेता को क्या जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि लोगों को वो कौन से जिले के लोगों की समस्या को सुनेंगे, उनका निवारण किया जाएगा, वो जिला ग्रीवेंस कमेटी के गठन के साथ ही तय भी हो गया है। तो अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात की जाए तो वो गुरुग्राम वासियों की समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद और पानीपत के लोगों की समस्याएं जानेंगे, जबकि अनिल विज की बात करें तो वो रोहतक और सिरसा में लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे। तो इससे पहले भी आपको बता दें, ग्रीवेंस कमेटी के साथ ही जो लोगों की समस्याएं हैं वो हर मंत्री सुनता है, उसका निवारण भी करता है, उसका समाधान भी करता है। अधिकारियों को उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि क्या कुछ समस्या है उनके इलाके में, और उस इलाके के अधिकारी को उसके लिए कहा भी जाता है कि उसका निपटारा जल्द से जल्द हो सके।